नमस्ते बच्चों, क्लास एट का 11th नंबर का यूनिट ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। उसमें आज हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। देखिए, छोटा सा पार्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हार्ट बीट और पल्स रेट में जो है वो क्या डिफरेंस है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन किससे बोला जाता है? देखिए, ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, हम सबको पता है। ये जो ब्लड हार्ट पंप करता है तो जैसे ही वो पंप करेगा तो पूरे बॉडी तक जो है वो ब्लड पहुंच जाता है, यानी पूरे बॉडी तक, हर सेल तक, हर ऑर्गन तक वो ब्लड हार्ट जैसे पंप करेगा तो पूरे बॉडी तक ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरे बॉडी से, ये जो हार्ट से बॉडी तक जाता है ये कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और उसके बाद बॉडी से हार्ट तक आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर से बॉडी तक जाएगा, फिर से बॉडी से पूरे बॉडी यानी जो ऑर्गन्स है, सेल है, उससे फिर से हार्ट तक वापस आएगा। और यही सर्कुलेशन जो है वो ब्लड का चालू रहता है और उसी को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो आई होप आपको जो है वो ये ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हार्ट बीट के बारे में आपने सुना होगा कि जो हार्ट हमारा बीट करता है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एक मिनट में जो हार्ट बीट है हमारा वो 60-80 या फिर कभी कभी 100 भी ले लेते हैं, इतनी नॉर्मल रेंज ले लेते हैं, तो इतना होना चाहिए 60-80 या फिर 100, यानी 60-100 भी नॉर्मल रेंज ही मानी जाती है। तो इतना हार्ट बीट जो है वो हमारा होना चाहिए। अब हार्ट बीट यानी होता क्या है? देखिए, हार्ट कितना होता है? हमारी जितनी मुट्ठी होती है उतना हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार जब रिलैक्स होता है तो उसको बोला जाता है वन हार्ट बीट। समझ में आ गया? यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार फिर से रिलैक्स हुआ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंबाइन होकर होता है एक हार्ट बीट। हार्ट बीट समझ में आया? उसको बोला जाता है हार्ट बीट। अब गाइज देखिए, हार्ट बीट हम आपके इसमें एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि आपको एक फनेल ले लेनी है। फनेल यानी ऐसी ट्यूब होती है ना, इसको आप एक बलून बांध सकते हैं, यहाँ से एक ट्यूब निकाल सकते हैं, एक ट्यूब ले लीजिए और ये जो है जैसा स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर के पास, वो मेजर करते हैं, उस प्रकार ये छाती पे रखिए और वो ट्यूब कान में लगाइए, आपको आपकी हार्ट बीट जो है वो सुनाई देगी। एक मिनट में मेजर करके देखिए क्या वो वैल्यू नॉर्मल है या फिर नहीं है, ठीक है। दूसरा है पल्स। अब पल्सेस, पल्स रेट और हार्ट रेट क्या होता है? देखिए, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पल्स रेट और हार्ट रेट, देखिए पल्स रेट और जो पल्स हम यहां से मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में सेम ही होता है। सेम यानी वैल्यू सेम होता है। जो हार्ट बीट है उसकी जो वैल्यू होगी वही पल्स बीट की वैल्यू होगी, प्लस वन या माइनस वन हो सकती है, एक कम ज्यादा यहां पर आपको हो सकती है, पर जो वैल्यू हार्ट बीट की होगी वही वैल्यू पल्स रेट की होगी। पर डिफरेंस क्या है? ये तो जो हार्ट बीट होता है ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, हम उसकी वैल्यू गिनते हैं। पर पल्स रेट क्या होता है? जब हार्ट जब रिलैक्स यानी प्रेशर से आर्टरीज में, देखिए हार्ट क्या करता है, प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड को भेज देता है। तो ये जब आर्टरीज में ब्लड को प्रेशर से फ्लो करता है तो उस टाइम जो आर्टरीज में फ्लो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो होती है पल्स रेट, ठीक है, वो पल्स रेट से हम बता सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये वैल्यू सेम होती है, पर हार्ट बीट यानी क्या होता है, सिंपल हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है और उसके बाद हार्ट जब आर्टरीज में ब्लड को प्रेशर से भेज रहा है तो वो जो प्रेशर है वही होता है पल्स रेट। तो आई थिंक आपको जो है वो इसके बीच में का पल्स रेट और के बीच में और हार्ट बीट में क्या रिलेशन है, वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है, प्लस माइनस इधर प्लस वन और माइनस वन इधर उधर हो सकता है, बाकी वैल्यू सेम होती है। हार्ट बीट यानी जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और पल्स रेट यानी जो हार्ट ब्लड को पंप करता है प्रेशर के साथ आर्टरीज में, तो उस टाइम उसका जो प्रेशर होता है वो हम पल्स रेट से मेजर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ब्लड सर्कुलेशन का शॉर्टकट इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें ब्लड के बारे में दिया है कि ब्लड क्या है वो हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, वो बताने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।